Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बाहुबली आनंद मोहन की गिनती बिहार के सबसे दबंग नेताओं में की जाती है। 15 फरवरी 2023 को उनकी वकील बेटी सुरभि आनंद ने IRTS ऑफिसर यानी कि राजहंस सिंह से शादी की है। सुरभि आनंद और राजहंस सिंह की शादी की चर्चा हर तरफ हो रही है और सभी जानना चाहते हैं कि बाहुबली का ये ए ग्रेड वाला आखिरकार दामाद कौन है। राजहंस सिंह IRTS यानी कि बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाले राजहंस सिंह IRTS ऑफिसर हैं। वह किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आनंद मोहन और राजहंस सिंह के परिवार एक दूसरों को सालों से जानते हैं। सुरभि आनंद के भाई चेतन आनंद और राजहंस सिंह बचपन के दोस्त हैं और राजहंस के परिवार के पास करीब 100 बीघा जमीन है। बिहार के बाहुबली के दामाद राजहंस सिंह पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार थे। मुंगेर के सरस्वती शिशु मंदिर से प्राइमरी एजुकेशन हासिल करने के बाद राजहंस ने आगे की पढ़ाई पटना से की थी। फिर उन्होंने हैदराबाद के NIT दुर्गापुर से बीटेक की डिग्री हासिल की थी। राजहंस ने तीसरे प्रयास में UPSC की परीक्षा भी पास की है। राजहंस सिंह ने टाटा ग्रुप में नौकरी करते हुए साल 2019 में UPSC परीक्षा पास की थी। वे अपने 2 साल के प्रयासों में असफल हो गए थे। फिर जो है तीसरे प्रयास में 660वें रैंक हासिल कर उन्हें IRTS यानी कि रेलवे सर्विस में नौकरी मिली थी। राजहंस ने दिल्ली में रहते हुए बिना किसी कोचिंग के UPSC एग्जाम को क्लियर किया था। बात करें सुरभि आनंद और राजहंस सिंह परिवार रिश्तों के कारण बचपन से एक दूसरे को जानते थे और उनकी शादी बीते कई दिनों से चर्चा का केंद्र बनी हुई थी। इस भव्य शादी के लिए आनंद मोहन सिंह पेरोल से जेल से बाहर आए थे। सुरभि आनंद और राजहंस सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और दोनों ने अपनी सगाई और हल्दी की तस्वीरें भी इंस्टाग्राम पर शेयर की। तो जिस तरीके से आनंद मोहन की बेटी की चर्चा काफी ज्यादा हो रही थी, तो मुझे लगा कि आखिरकार बता देना चाहिए कि आखिरकार जो उनके दामाद हैं राजहंस सिंह, आखिरकार वो क्या है और कितनी पढ़ाई लिखाई की हुए हैं। तो एक अपडेट था इस चीज को लेकर। बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।